हाई आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर मैं हूँ विष्णु शर्मा मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी शंकर तिवारी और हम डिस्कस करेंगे क्योंकि चुनाव आप जब ये वीडियो देखेंगे तो या तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा या होने वाला होगा तो ऐसे में क्या होता है आखिर जब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले धाड़ एड आने लगते हैं अखबारों में सरकारों के और धड़ाधड़ प्रधानमंत्री या जो भी सीएम लोग जो सरकारों में हैं मौजूद लोग वो उद्घाटन उद्घाटन करने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने भी किए तमाम सारे उद्घाटन किए तो आखिर जल्दबाजी क्या रहती है चुनाव की तारीखें होते ही लोग कहते हैं कि आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद क्या प्रतिबंध लग जाते हैं सरकारों पर लोगों पर नेताओं पर और जो उनके उम्मीदवार हैं उन पर ये जानेंगे आज और विद्याशंकर तिवारी हमें बता रहे हैं बताइए देखिए है क्या कि जो भारतीय संविधान है उसमें जब चुनाव की व्यवस्था की गई और चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई तो ये ले करके चला गया कि आगे चल करके ऐसी समस्याएं आ सकती है कि पोलिटिकल पार्टी जो है मनमानी करे सरकारें मनमानी करे लिया जाए उसको संविधान के तहत ही अधिकार दिया गया कि जब आप चुनाव का ऐलान करेंगे या चुनाव कराएंगे उस दौरान आप किसी के मात नहीं हो वैसे तो चुनाव आयोग सामान्य परिस्थितियों में भी किसी के मातहत नहीं होता है लेकिन खासियत ये होती है कि चुनाव के ऐलान के साथ ही पूरा देश का तंत्र यानी कि यदि या लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो पूरे देश का तंत्र ब्यूरोक्रेसी कर्मचारी सब उसके माथत हो जाते हैं डायरेक्ट और उसमें चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो किसी का एक तरह से उस पर नियंत्रण नहीं रहता है वो सीधे चुनाव चुनाव आयोग से गाइडलाइंस लेते हैं और ट्रांसफर पो, पो, पोस्टिंग बंद हो जाती है तो इस दौरान जो आचार संहिता की जहाँ तक बात है तो एक तो पूरा ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो सिस्टम को लागू करता है ब्यूरोक्रेसी चुनाव आयोग के तहत आ गया और प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को किन्हीं इमरजेंसी में कुछ अधिकारियों या कर्मचारी

तो क्योंकि चुनाव आयोग ये चाह रहा था कि जब से घोषणा हो तभी से ये लागू हो जाए क्योंकि आप जो राजनीतिक दल हैं जिनकी सरकारें होती है खासतौर से प्रदेश में और केंद्र में वो अपने हिसाब से विज्ञापनबाजी करते रहते हैं वो अपने हिसाब से योजनाओं का ऐलान करते आजकल हो रहा है हो रहा है जैसे आज तक हुआ आज देखेंगे तो यदि पच्चीस पेज का अखबार है तो बारह से लेकर पंद्रह पेज तक ऐड है ठीक है और पिछले ये एक महीने से सिलसिला चल रहा है एक दो महीने से तो 2000 में क्या हुआ कि ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो so, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उसके बाद ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ कर चुनाव आयोग इसका हल निकाले तो उसमें फिर ये तय हुआ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इसमें आ, 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 कंसेंट भी दिया कि ठीक है ये सब पे चुकी लागू होगा इसलिए ये कोई नहीं कह सकता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है लिहाजा चुनाव के घोषणा के साथ ही चुनाव की घोषणा लागू हो गया तो सबसे पहले तो आपका विज्ञापन और योजनाओं का ऐलान होगा सरकारी नहीं होगा कुछ नहीं होगा अपना दे सकते हैं हाँ। उसके बाद बहुत जरूरी जो सरकारी काम होगा वही होता है बाकी उसका कोई वेलफेयर हाँ। योजना कुछ नहीं कर सकता सब, सब बंद हो जाता है और कोई भी वो तरीका जिससे कि आप मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं ये केवल वो। उन पे लागू होता है सत्ताधारी पार्टी यानी सरकार सरकार जो है सरकार में बैठे लोग पार्टियाँ स्वाभाविक है कि वो सरकार ही कर सकती है अन्य हाँ। जो विपक्ष में है वो तो ये कर नहीं सकता हाँ। तो उन पे लागू हो जाता है हाँ। 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 खासतौर से प्रदेश केंद्र के लिए तो है ये प्रदेश सरकारों के लिए कि वो मनमानी न करने पाए क्योंकि इसमें प्रदेश सरकार ये भी तो कह सकती है कि हमारे यहाँ थोड़ा चुनाव हो रहा है लेकिन लोकसभा का चुनाव तो सबके यहाँ हो रहा है तो ये सब हो जाता है तो 2000 में जो सिस्टम बना है उस सिस्टम के बाद अब कोई भी जो है अपने तरीके से ऐसा कोई काम नहीं करेगा यानी कि इसके परिधि में वो सारे काम आते हैं जिससे कि आज जिससे माने की आप अपनी गाड़ियों पर लगा करके अपने कुछ योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं ये भी आप नहीं कर सकते आप कोई सभा करके आपसे मतलब पार्टी की बात कर रहे हैं हाँ हाँ पार्टी।, पार्टी से बात कर रहे हैं अभी सरकार की बात हो रही थी अब आप पार्टी की बात पार्टी की भी बात कर रहे हैं उस सब पे लागू होगा ये वाली चीज जी की आप अपनी गाड़ी के माध्यम से या जो आपको ये भी ध्यान होगा

वही तो बात है कि आप जो है मतदान करने के लिए गए और मतदान करने के बाद जो है आप जो सिंबल दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को आप प्रभावित कर रहे हैं कैंडिडेट के घर पे आगे वो ले नहीं जा सकते हाँ, उसके सामने से वो नहीं ले जा सकते नहीं ले जा सकते जुलूस नहीं ले जा सकते एक और बात है कि से जो है इतने मीटर के, के बाद जो है आप अपना वो बूथ मैनेजमेंट के लिए जो बाहर पर्ची देने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें निर्धारित है कि वो जो मतदान केंद्र है उससे इतने मीटर दूर होना चाहिए और यदि आप उसको नहीं मानते हैं तो फिर प्रशासन को अधिकार होता है कार्रवाई करने का तो ये बहुत बृहद है ये बात अलग है कि आप देखा होगा आपने देखा होगा चाहे दो का चुनाव हो दो या चौदह उससे पहले के आ, 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 आती रहती है कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया उन्होंने आचार संहिता इसमें जो सरकारी संसाधन जो होते हैं सर जैसे टीवी मीडियम भी है जो दूरदर्शन भी है या हेलीपैड की जगह है कॉलेज हैं सभा स्थल हैं इनका भी ये नियम होता है कि बराबर बराबर सर पार्टी में बांट दिया जाए पार्टी में बांट दिए जाए और वो उसमें पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से उसमें डी डी पे आपको टाइम दिया जाता है हाँ नहीं उसके अलावा जो सरकारी जगह है उनपे हाँ, भी रैली और इन सब के लिए हाँ हाँ बिल्कुल आपको परमिशन लेनी होती है आप फॉर्मल प्रोसेस से जाइए डीएम के पास क्योंकि डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी होता है हर जिले में आप आवेदन करेंगे कि ऐसे ऐसे हम यहाँ चुनावी सभा करना चाहते हैं ये डोर टू डोर -डो कंपेन को छोड़ दीजिए उसके बाद वहां से आपके अलावा और क्या बड़ी चीज़ें बड़ी चीज़ मेन यही है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी पूरा चला जाता है उनके हाथ में और कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र होता है इस दौरान वो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते तो ये बड़ी लिस्ट है कि क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते कैसे चुनाव प्रचार करना है कब तक करना है कितने बजे तक करना है चुनाव प्रचार के नियम है कैंडिडेट के, के सामने के घर के सामने से जुलूस नहीं ले आ सकते या जो भी है इतने सारे नियम कानून और जो भी होते हैं वो सारे जो अधिकारी होते हैं आई अधिकारी और बाकी सारे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो चुनाव आयोग के अधिकारियों के तौर पर काम करती है वो सरकार को इस मामले में रिपोर्ट नहीं करती और जब भी कोई शिकायत आती है तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और आदर्श आचार संहिता को हमने आपको बताने की कोशिश की तिवारी जी ने आपको समझाया कि बेसिकली होती क्या है और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसका इससे रिश्ता क्या है उसकी पहली हिस्ट्री क्या थी सारी कुछ बताया इस बारे में और जो भी जानकारी होगी चुनाव आयोग जब भी तारीखों का ऐलान करेगा और कुछ बताएगा हम आपको जरूर बताते रहेंगे बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज़ सब्सक्राइब करें इनके बार थैंक यू नमस्कार